उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि बहुतों का एक्सीडेंट होता है, बहुत सारी गाय माता है रोड पे मर जाती है। सोचते हैं वीआईपी एंट्री ले ले क्या भाई। हमारी गाड़ियां तो ऐसे ही पार हो गई यार, सारी की सारी पकड़ लिया पिए हुए यूपी वालों को। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे एक दूसरे ब्लॉग में, पटना से मैहर एपिसोड 2 में। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। हम अच्छे हैं, मस्त हैं, और अभी हम होटल चेकआउट करके निकले हैं, मैहर जा रहे हैं। मतलब मैहर में तो थे ही, लेकिन अभी जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। और सभी गाड़ी रेडी है, आगे है, बाकी सब पीछे है। चलिए फिर चलते हैं, माता का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और फिर वापस बनारस चलते हैं। बनारस में थोड़ा बहुत घूमा जाएगा और फिर वापस बिहार। तो भाइयों, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, और यहाँ पे पर्ची कट रही है नगर पालिका की। तो यहाँ से 60-60 रुपये की पर्ची कटती है, यानी 5 गाड़ी, 1 गाड़ी तो पंचर है, तो उसको वहीं छोड़ दिया है। तो उसको हटाइए ना। चलिए फिर दर्शन करते हैं आगे ऊपर, जैसा होता है सब दिखलाते हैं। तो भाइयों, अभी हम लोग आए हैं प्रसाद लेने, प्रसाद ले रहे हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे ऊपर। तो भाइयों, हम लोग जा रहे हैं ऊपर भगवान के पास, और यहाँ से फिर वैन है ना भैया। हाँ, वैन है, क्योंकि रोपवे बंद है ना, अभी सर्विस पे चल रहा है, तो वैन से जाएंगे लोग। एक वैन में भैया? हाँ, एक वैन में नहीं, एक में कैसे जाएंगे हम लोग। एक वैन में कितने आदमी? 6 लोग रहेंगे एक वैन में, मान के चलो टोटल 24 लोग हैं हम लोग। 23 लोग, 23 लोग, तो 4 वैन लेनी पड़ेगी। एक वैन का भैया किराया? 500 रुपये बता रहा था, 2000। तो चलिए फिर ऊपर दर्शन किया जाए, और दुर्गा पूजा में फिर रोपवे भी स्टार्ट हो जाता है। अभी बंद जाने का? हाँ, अभी बंद है, सर्विस पे चल रहा। अच्छा, चलिए फिर चलते हैं। तो भाइयों, प्लान में चेंजेस आ चुके हैं। चेंजेस नहीं है, चेंजेस नहीं है, हम लोग चले जा के आए पहले गाड़ी से, जाने लेकिन अब जा रहे हैं सीढ़ी से, और जा नहीं पा रहे, कोशिश हो रहा है, कोशिश जारी है। भाई का तो फट के हालत खराब हो गया है। चलिए फिर इसको कंटिन्यू किया जाए, आगे आगे चलेगा मेरे। टोटल 1100 सीढ़ी है। आज लेक डे है, आज लेक डे है। चलिए फिर चलते हैं। तेजू का हालत खराब हो चुका है गाइस, पानी का चाहिए था। हम कहे भी लोगों को ना, पी लो सर। भैया क्या नाल है? कोई दिक्कत नहीं है, पियो गाइस। 300 भैया, 300 हो गया पूरा, और 700 चढ़ना है भैया। फाइनली हम लोग 998 लगभग 990-95 सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से लाइन लगा हुआ है वो, जो कि वहाँ आप देखिए देख रहे हैं, यहाँ पे वीआईपी एंट्री नहीं होता है। चलिए फिर मुंडन होगा सब। भाइयों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। कहाँ? मंदिर में। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, जय माता की। चलिए फिर दर्शन करते हैं। भाइयों, फाइनली हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ अच्छे से। अंदर कैमरा तो अलाउ रहता नहीं है कहीं पे भी, इसीलिए आपको दिखा नहीं पाए। और अब चलते हैं नीचे, उसके बाद फिर मस्त खाना वाना खाया जाए और निकला जाए वापस बनारस के लिए। तो फिर वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, वहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करके और चलेंगे डायरेक्ट बिहार। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय। चलिए फिर चलते हैं। जाने से पहले आप एक बार यहाँ की व्यू चेक करो भाई, माहौल आनंदित रहता है।
मौसम तो खैर धूपा वाला ही है, लेकिन व्यू मस्त है बस, और कुछ नहीं। रोप वे भी है इतनी दूरी पे। अच्छा हमारी गाड़ी दिख रही है आपको, वही देखिए जहाँ पे ऑटो है ना वहीं पे उतना ऊपर हम लोग आए ना भैया, वहाँ से फर्स्ट बार हम लोग चेंज किए, फिर ऐसे जंगलों से होते हुए ये दिख रहा था ट्रेन, ये सब रास्ता भैया देखिए हम लोग का गाड़ी भी दिखाई दे रही है। हाँ जी भाई दिखाई दे ही रहा है भैया। हाँ हाँ ब्लॉग में ले लिए भाई तो चलिए फिर चलते हैं, कुछ खाया पिया जाए और निकला जाए। निकला जाए तो भाइयों मस्त हम लोग दर्शन वर्शन करके आ गए हैं नीचे, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ जाना है भैया अभी? अभी यहीं पे एक शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाता है, उसी में चल रहे हैं खाने। माइका रसोई नाम है उसका, माइका रसोई। तो चलिए फिर वहाँ कुछ खाया जाए और फिर निकला जाए वापस बनारस के लिए। तो भाइयों हम लोग मस्त खाना वाना खा के निकल रहे हैं वापस बिहार के, सॉरी बनारस के लिए। सब कोई है, पूरा टीम है अपना, और लोग कुछ ऊपर हैं आ रहे हैं, बाकी सभी भाई हैं। तो चलिए फिर वापस बनारस चलते हैं। ओ विशाल जी, विशाल जी चलिए फिर। और भाइयों हमारा काफिला निकल चुका है मैहर से, तो भाइयों फिलहाल अभी हम लोग रुके हैं यहाँ मस्त चाय वाय पीने के लिए, और गाड़ी सब अपनी रेडी हो चुकी है, मतलब रेडी क्या गंदी हो रहा है, और भी मस्त चाय वाय पियेंगे लोग और निकल जाएंगे। क्या क्रिकेटर क्या हाल है? सब बढ़िया, सब बढ़िया। चलिए फिर चाय वाय पिया जाए उसके बाद निकल जाए। तो भाइयों यही है एमपी और यूपी का बॉर्डर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और अब हम लोग उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। थैंक यू विजिट अगेन, टॉल रोड स्टार्ट, टॉल रोड भाई, टॉल रोड, टॉल रोड। और यहाँ से बस वाराणसी 140 किलोमीटर उत्तर प्रदेश टू बैगर ना, वो भी विंध्याचल आगे मिर्जापुर था, मिर्जापुर बॉर्डर पड़ता है ना भाई, चलावे देना गाड़ी और ये एक सबसे बड़ी डिमेरिट है यहाँ पे एमपी का जो इतनी सारी हर सड़क पे, मतलब बहुत सारी, जैसे ये देखिए जानवर घूमते रहता है, ये देखिए तो हम गुजारिश करेंगे एमपी के मुख्यमंत्री जी से कि सर प्लीज आप इसमें कोई समाधान निकालिए, अगर मेरी वीडियो आपके पास पहुंच रही है तो, अन्यथा कोई बात नहीं, ये तो ऐसी वीडियो है बस, लेकिन गुजारिश है सर आपसे, क्योंकि बहुतों का एक्सीडेंट होता है, बहुत सारी गाय माता है रोड पर मर जाती हैं, सर प्लीज इसको देखा जाए। तो भाइयों हम लोग मिर्जापुर पहुंचने वाले हैं, और अभी एक टॉल आई है तो सोचते हैं वीआईपी एंट्री ले ले, क्या भाई? चलिए फिर वीआईपी एंट्री लिया जाए। तो भाइयों अभी हम लोग मुगलसराय पाठक जी के घर पे, और यहीं पे हम लोग का खाना वाना है, तो मस्त खाएंगे, और पाठक जी हम लोग का इंतजार करते करते नींद में आ गए हैं। क्या पाठक जी नींद लग रहा है क्या? नींद नहीं लग रहा है, इंतजार में अरे सॉरी लेट हो गया। चलिए अंदर खाना वाना खाया जाए फिर निकला जाए बिहार के लिए। तो भाइयों हम लोग पाठक जी के यहाँ से खाना वाना खा के निकल चुके हैं घर के लिए, और अभी 1:23 हो रहा है,
फिलहाल अभी हम लोग बता दिया भाई, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ है क्या बोलते हैं मुगलसराय में, और यहाँ से निकल के वापस बिहार को, तो चलिए फिर बिहार निकलेंगे। तो भाइयों वी आर इन बिहार और ये चेक पोस्ट, ये देखिए हमारी गाड़ियां तो ऐसे ही पार हो गई यार, सारी की सारी पकड़ लिया पिए हुए यूपी वालों को, फुल भौकाली। चारों गाड़ियां पास हो गई हमारी, चलिए फिर चला जाए। भैया फाइनली हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, जा रहे हैं घर, और इस सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे लाइक, वीडियो पे कमेंट, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाना।